You know, it's interesting because the way it's always been framed for our allies, whether it's in Europe or elsewhere, is the desire of access to markets, particularly the growing and engaged Chinese middle class that represents, you know, a tremendous benefit for us. And over the past many years, there have been lots of friendly and sometimes less than friendly competition. कनाडा की घरेलू जासूसी एजेंसियां कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज यानी कि CSIS ने एक गंभीर खुलासा किया है। CSIS का कहना है कि चीन ने कनाडा के पिछले दो आम चुनावों में हस्तक्षेप किया है। CSIS द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपी गई एक रिपोर्ट में कहा गया है, हम जानते हैं कि PRC यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने 2019 और 2021 के आम चुनावों में गुप्त और धोखे से हस्तक्षेप किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी 2019 और 2021 दोनों चुनावों में विजयी हुई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनुषा। 2021 के चुनावों की निगरानी करने वाले वरिष्ठ कैनेडाई अधिकारियों ने एक पैनल को भारत द्वारा उन राष्ट्रीय चुनावों को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास के बारे में सूचित नहीं किया गया था। बाकी भारत ने भी बार बार कैनेडा में इस तरह की गतिविधियों में शामिल होने से इनकार किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हम कनाडा के चुनावों में भारतीय हस्तक्षेप के निराधार आरोपों को दृढ़ता से खारिज करते हैं। यह हमारी नीति नहीं है कि हम दूसरे देशों की लोकतांत्रिक प्रतिक्रियाओं में हस्तक्षेप करें। वास्तव में कनाडा हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता रहा है। कनाडा में विदेशी हस्तक्षेप के लिए हो रही सुनवाई के दौरान भारत और CSIS ने रूस, ईरान और पाकिस्तान के साथ इसका नाम लिया था। कनाडा के अधिकारी चीन को इस तरह की गतिविधियों में प्राथमिक खिलाड़ी मानते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में चीन के संभावित हस्तक्षेप के बारे में चिंताओं को लेकर विपक्षी सांसदों के दबाव में ट्रूडो ने विदेशी हस्तक्षेप की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया था। आयोग ने सोमवार को कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज यानी कि CSIS की फरवरी 2023 की ब्रीफिंग के एक अंश वाली एक स्लाइड के साथ प्रस्तुत किया गया था। आपको बता दें कि 2021 के अभियान के दौरान कंजर्वेटिव्स का नेतृत्व करने वाले एरिन ओ टूलो ने अनुमान लगाया कि चीनी हस्तक्षेप में उनकी पार्टी को 9 सीटों का नुकसान हो सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि इससे चुनाव का नतीजा नहीं बदला। आकलन में कहा गया है कैनेडाई राज्य के अधिकारी न्यूनतम कानूनी या राजनीतिक परिणामों के कारण कैनेडा में विदेशी हस्तक्षेप को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकते हैं। नतीजन विदेशी हस्तक्षेप कम जोखिम वाला उच्च इनाम वाला परिदृश्य प्रस्तुत करता है। खुफिया विश्लेषकों और कंजर्वेटिव्स का तर्क है कि ट्रूडो की सरकार ने चीनी हस्तक्षेप को संबोधित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। बाकी ट्रूडो को बुधवार को आयोग के समक्ष गवाही देनी पड़ी है। कंजर्वेटिव्स जो लिबरल्स की तुलना में चीन पर सख्त रुख अपनाने के लिए जाने जाते हैं। 2021 की आधिकारिक जनगणना के अनुसार कनाडा में लगभग 1.7 मिलियन चीनी मूल के लोग हैं, जो कुल जनसंख्या का लगभग 5% है। माइक्रोसॉफ्ट थ्रेट इंटेलिजेंस के एक विस्तृत विश्लेषण में यह पता चला है कि चीनी साइबर और प्रभाव वाले अभिनेता विभिन्न क्षेत्रों में जासूसी और प्रभाव अभियानों में सक्रिय रूप से शामिल हो रहे हैं। तो इस तरह कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज यानी कि CSIS का आकलन कि चीन ने देश के पिछले दो चुनावों में हस्तक्षेप किया है। कनाडा की राजनीति में संदिग्ध चीनी हस्तक्षेप का अब तक का सबसे मजबूत सबूत है। यह खुलासा कनाडाई लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती उजागर करता है और विदेशी हस्तक्षेप से निपटने के लिए मजबूत उपायों की आवश्यकता पर प्रभाव डालता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।